Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Today we are going to do day 12 with Afi, daily use. Hi Amna, how do you do? I'm great, thank you. What about you? Great, thanks. आज हम एक अहम सबक करने जा रहे हैं जिसमें जीरो चैप्टर में जो चीज़ें रहती थी एडजेक्टिव और एडवर्ब, इनको अगर मैं थोड़ा सा बताऊं तो आपको समझ आ जाएगी, अगर डिटेल में जाएं तो फिर वो उसके लिए मुश्किल पेश आ जाती है वो फहम में बात। तो कम बात ये है, एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों एक जैसी हैं। आपने सुना होगा एक लफ्ज़ वर्ब, वर्ब के बारे में आप क्या जानती हैं? वर्ब एक Adverb? सिर्फ वर्ब वर्ब What? एक काम होता है। क्या होता है काम? काम ये कोई भी काम हो सकता है, उस काम को जिस सिफ्त से करना हो उसको एडवर्ब बोला जाता है। जैसे कि कोई चल रहा है तो वो सिर्फ वर्ब है, और अगर वो तेज़ी से चल रहा है या आहिस्ता ये आप बोल दें तो वो एडवर्ब बन जाती है। यानी वर्ब की एडवर्ब, यानी वर्ब की सिफ्त या काम करने की सिफ्त, चलना, आहिस्ता चलना या तेज़ चलना। आहिस्ता और तेज़ क्या हुए? एडवर्ब। यूँ कह लीजिए काम करने की सिफ्त, कहते हैं यार सिफ्त से काम करो। कोई कुछ लोग जैसे नासर मदनी कहता है बड़ा बेहदायत है, हिदायत से काम करो, यानी सिफ्त से काम करो। तो सिफ्त किसी काम की भी सिफ्त होती है, सिफ्त अच्छी भी होती है बुरी भी होती है। ये बुरी अच्छी के अलावा तेज़ भी होती है आहिस्ता भी होती है, मेनर्स में भी आ जाता है। अब अगर कोई खाना खा रहा है उसमें सिर्फ खा रहा है तो खा रहा है, अगर सिफ्त हो तो वो होगी तेज़ी से खा रहा है, और अगर कोई बात कर रहा है यानी बोल रहा है तो वो ऊंचा बोल रहा है तो वो ऊंचा क्या हुआ? सिफ्त। आहिस्ता बोला तो भी एडवर्ब या सिफ्त, ठीक हो गया। तो वर्ब का एडवर्ब से ताल्लुक है ना। इसी तरह यानी एक नाउन जो होता है उसका एडजेक्टिव से ताल्लुक होता है। किसका? एडजेक्टिव से नाउन का। जी, जो फिक्रे में नाउन होता है या यूँ कह लें कोई सब्जेक्ट का होना, जैसे फिक्रा लाइन से शुरू हो रहा है, फॉक्स से शुरू होता है, डॉग से शुरू होता है, कोई नाम हो, कोई भी नाम उससे शुरू हो रहा है तो उसके साथ उसकी सिफ्त होती है, उसको एडजेक्टिव बोला जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक लायन है, एक बकरी है, एक फॉक्स है। लायन में जो जो सिफ्त हैं वो क्या हैं? एंग्री लायन, डेंजरस लायन, फ्रोशियस लायन, या यूँ कह लें कि जो जो चीज़ें उसके साथ मिलती हैं आप अगर वो लायन की बजाय एंग्री लायन कह दें। और एक फॉक्स है, फॉक्स सुन के हमें क्लेवर वर्ड याद आ जाता है, अगर ना भी लगाओ। अगर एक फॉक्स लेज़ी हो तो लेज़ी भी आप कह सकते हैं, लेज़ी फॉक्स। यानी आप ये कह सकते हैं अ फॉक्स वाज रनिंग, अ फॉक्स वाज रनिंग। और अगर आ फॉक्स वाज रनिंग में हम जो फॉक्स एक नाउन है इसके साथ अगर हम इसकी सिफ्त लगाएं तो वो क्या बनेगी? लेजी फॉक्स वाज रनिंग, अ क्विक फॉक्स वाज रनिंग, अ क्लेवर फॉक्स वाज रनिंग। यानी क्लेवर, लेजी और क्विक, ये क्या है? एडजेक्टिव। यानी नाम की सिफ्त एडजेक्टिव कहलाती है और काम की सिफ्त एडवर्ब कहलाती है। इंग्लिश में नाउन की जो क्वालिटी होती है वो एडजेक्टिव होती है, वर्ब की क्वालिटी एडवर्ब होती है। ऑलराइट, लेट्स डू समथिंग एग्जांपल रिगार्डिंग दिस लेसन। ऑलराइट, यहाँ पे एग्जांपल की कुछ लिखा था, मैं थोड़ा चेंज करना चाहूँगा। वर्ड है लायन, लायन के साथ एंग्री, डेंजरस, फॉरगिव मी फॉर दैट, क्विक
क्विक, शार्प, क्लेवर, लेजी। चलें ये कॉमन कर लें, ये क्या है एडजेक्टिव? स्लो, फास्ट, ये क्या है? एडजेक्टिव। गुड आमना, यू आर वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, इजन्ट इट? यू आर वेरी इंटेलिजेंट, एम आई राइट? सो इंटेलिजेंट क्या हुआ आमना का एडजेक्टिव? डल हो वो भी एडजेक्टिव होगा। बहरहाल थोड़ी सी एग्जाम्पल्स करते हैं, ज़्यादा नहीं लेके जाते हैं। अच्छा अब मैं आपको बताने लगा था एडवर्ब का, लेट मी से के एंग्रीली, क्विकली, शार्पली, स्लोली, फास्ट, और आपको एक और चीज़ का पता होना चाहिए, जो एडजेक्टिव होते हैं वही एडवर्ब होते हैं। अगर वर्ब के साथ लगे तो एडवर्ब, और अगर नाउन के साथ लगे तो एडजेक्टिव। क्लियर? आर यू श्योर? यस सर। हाउ मच आर यू श्योर अबाउट दैट? आई एम सो मच 100%, 100%, 101%। ओके लेट्स हैव सम एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज। एग्जाम्पल सेंटेंस में हम आपको सादा सा फिकरा लिख देते हैं। मैंने क्या लिखा? A lion was running. यहाँ पे एन एंग्री लिख देते हैं। लिख दिया जी। इसमें एडजेक्टिव कौन सा है? An angry lion. Yes, angry adjective है किसका? Lion का। Lion का। Lion क्या है? Noun है। ये सब्जेक्ट है। Running। अब रनिंग में आप थोड़ा सा इजाफा करना चाहें तो क्या करेंगे? कुछ लोगों के जहन में आ गया होगा। Running fast. Fast adverb है। Adverb है क्योंकि verb के बाद आ रहा है। ये क्या है? Running verb and fast adverb. Good. अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं जनाब। फॉक्स वॉज गोइंग, बल्कि गोइंग की बजाय आप लिखें वॉन्डरिंग। आवारा गर्दी करना, ये वॉन्डरिंग, वॉन्डरिंग, हाँ यार राइट। वॉन्डरिंग मतलब आवारा गर्दी करना, आवारा घूमना, बिला मकसद घूमना। अब फॉक्स के साथ कौन सी आप एडजेक्टिव लगाना चाहेंगे? क्लेवर भी लगा सकती हैं, यहाँ पे मस्कुरा, क्विक भी लगा सकती हैं, शार्प भी, क्लेवर भी, लेजी भी, इंटेलिजेंट भी, डेंजरस भी, एंग्री भी, क्विक भी, शार्प भी। ठीक है, अ क्लेवर फॉक्स वाज वंडरिंग ब्लाइंडली। ऑलराइट। क्लेवर एडजेक्टिव है और ब्लाइंडली एडवर्ब। यू आर राइट। ब्लाइंडली का क्या मतलब है? ब्लाइंडली होता है बगैर किसी मकसद के, एमलेसली, बिला मकसद, अंधाधुंध।
अब यहाँ पे एक और बात ऐड ओके करता चलूँ कि ब्लाइंडली की बजाय अगर लफ्ज़ होता ब्लाइंड फॉक्स होता तो ब्लाइंड क्या होता है? अंधा। अब ब्लाइंड फॉक्स वॉज वॉन्डरिंग ब्लाइंडली, तो इसमें जो ब्लाइंड है शुरू वाला, ये तो एडजेक्टिव हुआ। एडजेक्टिव एक ऐसी सिफत होती है जो इंसान जो किसी नाउन की होती है, नाउन में कोई भी चीज़ आ जाती है जो जानदार हो बेजान हो, जो फिक्रे के शुरू में सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल की जा सके या आखिर में ऑब्जेक्ट के तौर पे भी इस्तेमाल की जा सके, लेकिन वर्ब ना हो। ठीक है, आ ब्लाइंड फॉक्स वॉज वॉन्डरिंग ब्लाइंडली, एक अंधी लूमड़ी जा रही थी अंधाधुंध। अब ऑब्जेक्टिव के साथ, यानी जो ऑब्जेक्ट में नाउन आता है, ऑब्जेक्ट में नाउन आते होते हैं ना, जैसे कि लेट मी टेल यू विद एन एग्जाम्पल, अ फॉक्स जम्प्ड ओवर अ डॉग। अब यहाँ पे कुछ चेंज करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, अ फॉक्स जम्प्ड ओवर अ डॉग, यहाँ पे क्या क्या ऐड करना चाहेंगे आप? क्विक फॉक्स लिख देते हैं। क्विक क्या होता है? तेज। ठीक हो गया, ये सब्जेक्ट का हो गया यानी नाउन के तौर पे इसका एडवर्ब, ऑब्जेक्ट में आप लेजी डॉग कह लें, यानी इसलिए लिख रहा हूँ ताकि ये पता चले कि ना सिर्फ सब्जेक्ट बल्कि ऑब्जेक्ट के साथ भी हम एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वहाँ ज़रूरी होते हैं जहाँ अपने पैरा एक मेच्योरिटी में लिखना होता है, आपकी राइटिंग में मेच्योरिटी आनी चाहिए, आप प्रोफेशनल हो, इमेच्योर ना हो, बेसिक ना हो। लिखने वाला तो ऊपर वाला भी ठीक है, फॉक्स जम्प्ड ओवर अ डॉग, लेकिन क्विक फॉक्स जम्प्ड ओवर अ लेजी डॉग। अब एक और चीज़ है, जम्प्ड क्विकली भी कह सकते हैं आप, यानी ये फिक्रे की एडवर्ब और एडजेक्टिव कंप्लीट हुई। तो जब कभी आपको राइटिंग में इम्प्रेशन देना होता है, याद रखिएगा आप भी और सुनने वाले पाकिस्तानी भाई सब के लिए ये है कि ये जब भी आपने अच्छी राइटिंग में इम्प्रेशन देना है तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा एडजेक्टिव डालिए। ओके, उसका ये फ़ायदा होता है कि पढ़ने वाला मुतासिर होता है, उसको भी कुछ सीखने को मिलता है। अब एक और कॉमन एग्जांपल ले लें कि क्विक फॉक्स जम्प्ड ओवर क्विकली, जम्प्ड क्विकली ओवर अ लेजी डॉग। यहाँ पे आप बाज़ का ये भी कर सकते हैं क्योंकि बार बार आपने फॉक्स का जिक्र करना है, तो आप फिर उसके लिए क्या कहेंगे, द क्विक। अब ये क्विक कौन है, क्विक कौन है? फॉक्स है ना, मुझे फॉक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? उसके ऑलरेडी मैंने एडजेक्टिव लिख दी है। तो बाज़ औक़ात बार बार फिक्रे में फॉक्स 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 की बजाय द क्विक भी लिख सकते हैं, क्योंकि उसको ऑलरेडी हमने मेंशन कर दिया, उसको टैग कर दिया किसी नाम के साथ, TAG कर दिया टैग। लेज़ी किसको टैग हुआ? डॉग को। हमें पता है जो लेज़ी है वो डॉग ही है ऊपर वाले फिक्रे में, जो क्विक है वो फॉक्स ही है ऊपर वाले में। तो अगले फिक्रे में जो नेक्स्ट कंडीशन होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं वैसे ही नेचर रहने देता हूँ फिक्रे की, थोड़ा सा एक अहम बात बताता चलूँ इस वजह से ये क्या हो रहा है। ये जेड सेट लिखे जा रहा है, लेजी डॉग लिखना था मैंने, डॉग, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फॉक्स, क्या लिख रहा हूँ? अब अगली कंडीशन फिक्रे की, यानी कि उसी फिक्रे की जो जिसमें जो रीडर्स होते हैं वो आपको फॉलो कर रहे होते हैं ऑलरेडी आपकी बात को, यानी उन्होंने अश्यूम कर लिया माइंड में, क्या अश्यूम कर लिया कि ये सेटिंग कर लूँ, उन्होंने अश्यूम कर लिया कि जो डॉग है वो लेज़ी है और जो क्विक है वो क्या है, फॉक्स है। क्विक क्या है? फॉक्स। और जो लेज़ी है वो कौन है? डॉग। लेट मी ऐड, अब मैं अगली कंडीशन में ये लिखूंगा, आमना द लेज़ी एस्केप्ड फ्रॉम द क्विक। अब इसका क्या मतलब है, एस्केप्ड फ्रॉम द क्विक? यानी कि कह लें कि बाल बाल बच गया वो लूमड़ी से, ऐसे ही है ना? लेडी डॉग हम्म, फास्ट
में से बन में ये बस इतनी सी बात है। ए वॉज इट सिंपल, वॉज इट इजी फॉर यू? कोई शक, कोई शुबा, कोई प्रॉब्लम? नो ऐसे लोग आपकी तारीफ बड़ी करते हैं, वो कहते हैं आपकी प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छी है। अच्छा। सर। मैंने आपके कमेंट्स पढ़े थे। एंग्री, एंगरली, लायन आस्ट एंगरली, इसमें एंगरली क्या है? एडवर्ब है, क्योंकि वर्ब के साथ है। द एंग्री लायन आस्ट, इसमें एंग्री क्या है? एडजेक्टिव क्यों? क्योंकि क्योंकि ये नाउन के साथ है। ओके, दैट्स ग्रेट। अ क्विक ब्राउन फॉक्स, ये दोनों क्या है? एडजेक्टिव गुड। किसके? फॉक्स के। जंप्ड क्विकली, जंप ये क्विकली लेजी डॉग क्या है? वही बात जो हमने यहाँ एडवर्ब पढ़ी थी। ऑलराइट, अब ये ओवर तो आपको पता ही होगा, प्रेपोजिशन है। अंडर, ओवर, इन, लाइफ में ये चीज़ें आती रहती हैं। फिर एक और बात, जैसे कि एस वी ओ का आपको पता है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, जैसे अली वेंट देयर। ओके, फास्ट अली, यहाँ ये भी कह सकती हैं क्विक अली, ब्रिस्क अली, वेंट फास्ट। हैं तो दोनों फास्ट फास्ट, लेकिन ये वाला वेंट फास्ट वर्ब है और फास्ट अली क्या है? नाउन है। तो वर्ब वाला एडवर्ब, नाउन वाला एडजेक्टिव। नाउन वाला फास्ट एडजेक्टिव, यानी अली वाला फास्ट एडजेक्टिव, वेंट वाला फास्ट एडवर्ब, यानी कि वर्ब के साथ जो है वो एडवर्ब। फास्ट अली वेंट स्लोली। अब फास्ट तो आपको मैं बता चुका हूँ, जो नाम के साथ है वो क्या है? एडजेक्टिव जो वर्ब के बाद आया वो एडवर्ब है। ऑलराइट, अली इज़ वेरी स्लो, यहाँ पे कोई वर्ब मेंशन नहीं है, तो इसमें वर्ब मेंशन नहीं तो फिर एडवर्ब मेंशन नहीं है, इसका मतलब है अली है, अली की सिफ्त है कि वो फास्ट है। सिमिलरली अली इज़ वेरी स्लो, ये भी उसकी क्या है? एडजेक्टिव। याद रखिएगा बच्चों, बुजुर्गों, माओ, बहनों, भाइयों, एडजेक्टिव सिफ्ते नाउन, एडवर्ब सिफ्ते वर्ब, यानी जो फेल होता है उसकी सिफ्त होती है। ऑलराइट, ऑलराइट जिसका आज हम पढ़ रहे हैं उसका उर्दू में बता रहा हूँ कि नाउन की सिफ्त। नाउन क्या होता है? कोई भी नाम, एनी नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, एनी थिंग दैट इज इन द वर्ल्ड, वेदर इट्स लिविंग और नॉन लिविंग, इट्स कॉल्ड नाउन। यानी दूसरे अल्फाजों में, दुनिया में कोई भी नाम हो वो नाउन होता है। तो नाउन की सिफ्तें होती है, शुरू में इस्तेमाल हो या ऑब्जेक्ट में इस्तेमाल हो। जो वर्ब के आफ्टर आ रहा हो, नेक्स्ट टू वर्ब, वो क्या होता है? एडवर्ब। उसका काम हो आहिस्ता, अच्छा अच्छा बोलना। एक बंदा सिर्फ बोलता है, अब वो अच्छा बोलता है या बुरा बोलता है, वो अच्छा बुरा एडवर्ब है बोलने में। अगर मैं कहूँ बंदा अच्छा है, तो फिर वो बंदा तो अच्छा है, तो वो बंदे की सिफ्त है, नाउन की। ऑलराइट, ऑलराइट आई स्पोक हिम, इसमें कुछ भी नहीं है, है तो नीचे वाले फिक्रे में कुछ। आई एंगरली स्पोक टू हिम, मैं उससे गुस्से में बोला। आई स्पोक विद हिम या टू हिम एंग्रली, इसमें भी ये क्या है? एडवर्ब एडवर्ब। क्यों? स्पोक की बात हो रही है। अगर मैं कहूँ, अगर मैं कहूँ एंग्री आई ही एंग्री, और याद रखिएगा आई वी यू दे ही शी इट, इनके साथ हम एडजेक्टिव नहीं लगा सकते, क्योंकि नाउन के साथ एडजेक्टिव लगता है, ना कि प्रोनाउन के साथ। ओके, यहाँ पे लफ्ज़ है रिस्पेक्टेड अली,
ये क्या है, एडजेक्टिव है या ये एडवर्ब है? एडजेक्टिव गुड। स्पोक लाउडली, ये एडवर्ब है, स्पोक रूडली, एडवर्ब वॉक्ड फास्ट, एडवर्ब टोल्ड एंगरली। एडवर्ब ग्रेट। मजीद पर, हाँ, अगर आपने एडवर्ब का कुछ सेट तलाश करना हो तो ये वीडियो आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब से, 50 सेंटेंसेस मस्ट लर्न ई ए इंग्लिश, या फिर ई ए इंग्लिश 50 सेंटेंसेस एडवर्ब, ये लिख दीजिएगा, ई ए इंग्लिश 50 सेंटेंसेस एडवर्ब्स। तो ये थीम आएगा 16 मिनट्स की वीडियो, इसमें तकरीबन बेशुमार किस्म के एडजेक्टिव फिक्रे में इस्तेमाल करके बताए गए और बेशुमार किस्म के एडवर्ब बताए गए। फिर ये भी बताया गया कि एक ही फिक्रे में, ऊपर वाले फिक्रे में एडवर्ब है और वही लफ्ज़ जो है वो एडजेक्टिव के तौर पे उभरता है, या फिर ऊपर में एडजेक्टिव है और वही लफ्ज़ नीचे वाले फिक्रे में एडवर्ब के तौर पे कैसे इस्तेमाल हुआ, बहुत आसान है। अब हम चलते हैं अपने मन पसंदीदा टॉपिक की तरफ। उसने मुझे देर करा दी, उसने मुझे देर करवा दी, तो हम इसमें सिर्फ और सिर्फ मेक का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, ही मेड मी लेट। क्यों? ये भी कॉजिटिव है। आपको देर क्यों हुई? व्हाट मेड यू लेट? या यूं कह ले, क्या चीज़ थी जिसकी वजह से आपको लेट हुई? व्हाट मेड यू लेट? सेम ही बात है। उसको किसने उदास किया? हु मेड हिम सैड? किसी फीलिंग में किसी को कन्वर्ट कर देना भी मेक होता है, नाराज़ कर देना भी मेक एंग्री होता है। ये याद रखिएगा, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म के अलावा हम कोई फॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इसका फार्मूला है। सब्जेक्ट में आई वो यू दे ही शी इट नेम, सेकंड फॉर्म एन ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, सब्जेक्ट्स में आई वी यू दे ही शी इट नेम, ही आ गया ये सब्जेक्ट्स में, जैसे हु लिखा हुआ है इसी तरह ही लिखा हुआ है। आगे नेक्स्ट फॉरन सेकंड फॉर्म आएगी, इज एम आर वाज वर विल शैल हैव एज एट, कुछ भी नहीं आएगा, डायरेक्टली सेकंड फॉर्म। फिर ऑब्जेक्ट, जैसे कि मी लिखा हुआ है, ये यू योर यू लिखा हुआ है, दे देयर देम ही हिज हिम, तो ये कौन से टेंस कर रहे हैं? ये वाला सेंटेंस किस टेंस का है? सिंपल पास्ट का। यस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम उसने मुझे देर करवा दी, उसने से मुराद वो लड़का ही मेड मी लेट। किसी को किसी फीलिंग में कन्वर्ट कर देना, मेक का इस्तेमाल कीजिए, गुस्सा दिला देना, उदास कर देना, रुला देना, मेक एंग्री, गुस्सा दिलाना, रुला देना, मेक क्राई, मेक समवन क्राई, लेट करा देना, मेक समवन लेट, परेशान कर देना, मेक समवन अपसेट, बीमार कर देना, मेक समवन इल, इल करना यानी कि कोई चीज़ है वो आपको बीमार कर देगी, ज़्यादा जागना, ज़्यादा वर्क करना जो है वो टोल्ड अपॉन कर देता है, यानी आपको इल कर देता है। तो वर्किंग हार्ड, और या कह लें टू मच वर्क विल मेक यू इल, ओके, विल टेल अपॉन योर हेल्थ। उदास करना, किसी को उदास करना, इसमें क्या है? मेक सैड, खुश करना, मेक हैप्पी। उसकी बात ने मुझे खुश कर दिया, हिज वर्ड्स मेक मी हैप्पी। उसकी बात ने मुझे मुतमिन कर दिया,
सेटिस्फाइड हिज वर्ड्स मेक मी कर दिया मेड आएगा। चुनांचे पास्ट इंडेफिनिट टेंस से सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। स्कून कर दिया इस, या फिर यू कह ले कंफर्टेबल, कंफर्टेबल हिज वर्ड्स मेक मी कंफर्टेबल। अगर हम कहें कि उसकी बात ने मुझे नाराज कर दिया तो आप क्या कहेंगे? एंग्री, यस। तो हमें क्या करना है? हैप्पी, एंग्री। ऑलराइट, उसने मुझे जगाया थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे वेक वोक वोकन या अवेकन, वोकन कह लें आप। फिर एक और चीज़ होती है जगाना, अराउस्ड। अराउस्ड होता है बेदार करना, किसी के जहन को बेदार करना अराउस्ड कहलाता है। जैसे सोई हुई कौम को नया ख्वाब देना, इल्लामा इकबाल ने जो दिया तो वो अराउज़ किया उनको डीप स्लम्बर से। डीप स्लम्बर गहरी नींद से, गहरी नींद एक वो होती है जिसमें कोई कुछ भी कहता रहे, अक्ल दाने पे पर्दा होता है, कुछ समझ नहीं आता, अंधा रहता है इंसान, पर्दे होते हैं। तो वो पर्दे तोड़ना, शीशा करना, कुछ रियलिटी दिखाना किसी भी पावर के ज़रिए, चाहे लफ्ज़ों से, चाहे किसी भी किस्म की तहरीर से, शायरी से, जैसे लामा इकबाल ने अराउज़ किया सोए ही कौम को। यानी ऐसी कौम जो कहे कि कुछ भी होता है, कुछ भी हो जाए, हमें क्या, हमें ग़ुलामी मंजूर है, या यूं कह लें कि पावर में नहीं थी, कमज़ोर हो गई थी जहनी तौर पे भी, तो उसको ताकत दी, जुम्बश दी, हरकत दी, मूवमेंट में लेके आए, तो वो अराउज़ करता है। एक लीडर का काम होता है अराउज़ करना। उसको किसने जगाया? टू मेड हिम अवोकन। इसकी वेक वोक वोकन, अवेक अवोक अवोकन, अवेक अवोक अवेकन, ये इसकी मुख्तलिफ किस्म की फॉर्म्स हैं। ये मैं मेंशन कर देता हूँ आप लोगों को, अवेक अवोक अवेकन, या फिर जो ऊपर मेंशन है अवोकन, या फिर ये थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हो रही है ऊपर वाले फिक्रे में, वो जो कॉजिटिव होता है उसमें मेक लग गया तो फिर वो क्या हो गया, थर्ड फॉर्म। ओके, यहाँ पे आते हैं, कंट्रैक्शन के बारे में बात हो रही थी। ये भी याद रखिएगा कि ये आपको बहुत काम आता है। लफ्ज़ है आई एम, इसका क्या है, आई एम, ये सिर्फ पढ़ने के हद तक है। यू आर, तो कॉन्ट्रैक्ट करके ये बना योर, ही इज, शी इज, शी इज, वी आर, वेयर, इट इज, इट्स, इज नॉट, इजंट, आर नॉट, aren't, they are, there, there is, this, was not, wasn't, were not, weren't, I have, I've, you have, you've, he has, his, she has, she's। बाज़ का साउंड लाइक शी इज़ लिखा हुआ मतलब फील होता है, जैसे हमने शी इज़ को शेज़ बोला, और ही हैज़ को भी हमने, शी हैज़ को भी हमने शेज़ बोला। आगे कैसे पता चलेगा कि हमें, हमने हैज़ का इज़ बोला है? वो थर्ड फॉर्म से पता चलेगा, डिपेंड करता है। इट हैज़, इट इज़, वी हैव, वीव, दे हैव, देव, देयर हैज़, there has not, hasn't, have not, haven't,
आई हैड आई हैड यू हैड योर ही हैड हेयर्ड शी हैड शेयर्ड इट हैड एटेड वी हैड वेड दे हैड देट डज नॉट डजंट डू नॉट डांट डिड नॉट डिडंट I will, I'll, you will, he'll, she'll, we will, they will, they'll, there will, there'll. I would, I'd, you would, you'd, he would, he'd, she would, she'd, it would. It'd. We would weird. They would theyed. There had theyed. There would theyed. Cannot can't. Could not couldn't. Dare not daren't. Had not hadn't. Might not, mightn't, must not, mustn't, must, right, need not, needn't, ought not, oughtn't, shall not, shan't, should not, shouldn't, use not, usen't, will not, won't, would not, wouldn't. Now let's move over here. Let's have some tenses table. आज हमने fourth form का भी इजाफा किया है third form के साथ साथ third form का भी इजाफा किया. मैं 7 बजे सोता हूँ. I sleep at 7. मैं 7 बजे सोया. I slept at 7. मैं सो चुका हूँ. मैं सो रहा हूँ. I am sleeping. मैं सो चुका हूँ. I have slept. तो एफ ई हमें आज बताएंगे फॉर्म्स तीनों लिखी हुई हैं. एक्सप्लेन कीजिए प्लीज. फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल मैं 7 बजे सोया. इसमें सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल मैं सो रहा हूँ. ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. इसमें फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल मैं सो चुका हूँ. ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. इसमें थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल और इसमें हेल्पिंग वर्ब है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब है एम एन आर इज एंड present perfect tense में helping verb है have and has. I do you do के साथ have का इस्तेमाल करना है. she name के साथ has का इस्तेमाल करना. okay इसमें कोई helping verb है I sleep at 7 में. I sleep at 7 में helping verb मौजूद है या नहीं? सर सॉरी आपकी बात क्लियर नहीं है. ओके मैं ये पूछ रहा था कि क्या I sleep at 7 इसमें helping verb मौजूद है या नहीं? नहीं इसमें नहीं है. I slept at 7 चलो ताकि नए टेंस में helping verb का यूज़ नहीं करते हो ना ही सेकंड पास नथिंग नए टेंस. ऑलराइट यूँ कह लें कि अगर फर्स्ट फॉर्म डायरेक्टली सब्जेक्ट के साथ हो या सेकंड फॉर्म तो समझ लीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट का फिक्र है. अगर तो फर्स्ट फॉर्म हो तो वो ता है होगा उसका मतलब. जैसे स्लीप का मतलब सोना तो फिर सोता सोती सोते. ऑलराइट अगर स्लेप्ट हो तो फिर सोया सोई सोए.
अब थोड़े से सब्जेक्ट्स चेंज कीजिएगा प्लीज़। हर फिक्रे में बारी बारी, जैसे कि मैंने आई वाला तो कंप्लीट हो गया, हम से आप शुरू कीजिए सारे सेंटेंसेस के साथ। वी स्लीप एट 7, हम 7 बजे सोते हैं। ओके, मैं उर्दू बोलता हूँ। हम 7 बजे सोते हैं। We sleep हम 7 बजे सोए। हम सो रहे हैं। at 7. We are sleeping. हम सो चुके हैं। We have slept. वो 7 बजे सोते हैं। They sleep at 7. वो 7 बजे सोए। They slept at 7. वो सो रहे हैं। They are sleeping. वो सो चुके हैं। They have slept. ऑलराइट, तुम 7 बजे सोते हो। You sleep at 7. तुम 7 बजे सोए। You slept at 7. मैं सो रहा, तुम सो रहे हो। You are sleeping. सॉरी, You are sleeping. ओके, यू आर स्लीपिंग को अगर कॉन्ट्रैक्शन में लिखें तो यू आर स्लीपिंग। You are sleeping. मैं तुम सो चुके हो। You have slept. ओके, ऑलराइट। हम नमाज पढ़ते हैं। We offer prayers. या फिर वी परफॉर्म प्रेयर। देखिए, कोई चीज़ हम अदा करते हैं तो वो ऑफर या परफॉर्म में आ जाता है। हज अदा करना, उसको परफॉर्म करते हैं। रोज़ा भी हम अदा करते हैं, उसको हम प्रैक्टिस भी करते हैं। वज़ू को भी हम परफॉर्म करते हैं। लास्ट टाइम हमने वज़ू को डू एब्लूशन के लिए भी इस्तेमाल किया, परफॉर्म एब्लूशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हर चीज़ जो हम अदा करें अल्लाह के हजूर, तो वो क्या होता है? परफॉर्म प्रैक्टिस, परफॉर्म, ऑफर पेश करना किसी के लिए। हमने नमाज पढ़ी, वी ऑफर प्रेयर. ऊपर फर्स्ट फॉर्म, नीचे सेकंड फॉर्म। हम नमाज पढ़ रहे हैं। वी आर ऑफरिंग प्रेयर. हम नमाज पढ़ चुके हैं। वी हैव ऑफर्ड प्रेयर. आपको टेक्स्ट आए कि व्हाट्स गोइंग ऑन, आप क्या कहेंगी? जी सर. अगर आप नमाज पढ़ रही हो, आपको मैसेज आए तो क्या हो रहा है, तो आप क्या जवाब देंगी इंग्लिश में कि मैं नमाज आई एम ऑफरिंग प्रेयर. प्रेयर? तो आप तो नमाज पढ़ रही होंगी, आप कैसे उसको जवाब देंगी? आई वाज ऑफरिंग वो भी ठीक है, मैं नमाज पढ़ रही थी। ओके, और अगर आप कहें कि आई एम ऑफरिंग प्रेयर, तो उसका वो मतलब ये समझेगा या समझेगी कि अभी आपने नमाज पढ़नी है, नहीं पढ़ने लगे हैं, क्योंकि ड्यूरिंग द नमाज तो आप। जी. ऑलराइट, इसी तरह बाज़ चीज़ों के मतलब ये ऑलराइट. भी होते हैं कि अभी आपने कुछ करना है। जैसे पाकिस्तान और फलां के माबेन आज तीसरा वनडे मैच खेला जा रहा है, अभी रात 12 बजे की बात है, 2 बजे की खबर है, उसमें कह जा रहे हैं। या आज सुबह 8 बजे की न्यूज़ है, लेकिन 12 बजे खेला जाना है दोपहर को, तो वो ये कहते हैं दोपहर 2 बजे खेला जा रहा है। ऐसे ही है ना, जी. अभी खेला नहीं है तो खेला जा रहा है, वही चीज़ें। ओके, हम नमाज़ पढ़ते हैं। वी ऑफर प्रेयर, वी ऑफर प्रेयर, और वी ऑफर प्रेयर में ये फ़र्क हुआ कि पढ़ते हैं और पढ़ा। वी आर ऑफरिंग प्रेयर, हम नमाज़ पढ़ रहे हैं। वी हैव ऑफर्ड प्रेयर, हमने नमाज़ पढ़ ली है। ओके, आज के हमारा यही सबक था। ऐसी इट वॉज़ रियली गुड टू बी विद यू टुडे। वी हैव लर्न अबाउट इंग्लिश टेंसेस टेबल बाय प्रैक्टिसिंग टू फॉर्म्स, ऑफरिंग प्रेयर एंड स्लीपिंग। एंड सेकेंडली वी हैव डन मॉडल वर्ब्स कॉन्ट्रैक्शन एंड देन हेल्पिंग वर्ब्स कॉन्ट्रैक्शंस एंड देन वी हैव कॉन्ट्रैक्टेड विद अदर वर्ब्स। तो ये कॉन्ट्रैक्शन हमने आपको पढ़ के भी सुनाए। एंड नेक्स्ट वन हमने आपको थोड़ा सा ये बताया कि मेक का इस्तेमाल जब हम करते हैं,
उदास करना किसी को किसी की फीलिंग में कन्वर्ट कर देना मेक में आता है। रुलाना, हंसाना, उदास करना, जैसे आपकी बात ने मुझे रुला दिया। योर लाइन मेड मी क्राइड। और थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल। फिर हमने एडजेक्टिव और एडवर्ब का बताया, और ये भी बताया है कि नेक्स्ट आपने कौन से वीडियो ढूंढ के ये कहाँ पे नोट अप करनी है। अभी भी आपको इजाज़त चाहूँगा इस बात के साथ कि अगर कुछ रहता हो जो आपके माइंड में हो ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर्स में उसको फिट कर सकें, तो हमें लाजमी आगाह कीजिएगा। ऐफ़ी हमारे साथ हैं, ये भी कमेंट्स पढ़ती रहती है और मुझे बतलाती होती हैं कि ये कमेंट आया, ये कमेंट आया। क्यों ऐफ़ी, शुड वी गो नाउ? ओके, हैव अ गुड टाइम एफी, नाइस टू हैव अ क्लास विद यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ओके, लव यू।